मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो सरकार का सारा काम अस्पताल से ही करेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह की बातों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और उनकी बेटी के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब कर्नाटक में उनके 6 कर्मचारी COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि रविवार को CM येदियुरप्पा ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। इसके बाद उनके दफ्तर के सभी कर्मचारियों का भी सैंपल लिया गया था। टेस्ट में पाया गया कि उनके 6 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हैं। सोमवार को ये बात सामने आई है कि CM ऑफिस के 6 अन्य कर्मचारी भी संक्रमित हैं। इनमें गनमैन, ड्राइवर और घर पर काम करने वाले नौकर शामिल हैं। जहां येदियुरप्पा और उनकी बेटी का इलाज शुरू हो गया है, वहीं उनके बेटे की रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना संकट के बीच अब मुंबई में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सोमवार रात से हो रही जोरदार बारिश से महानगर पानी पानी हो चुका है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है तो कई घर तक बह गए हैं। मंगलवार दोपहर हाई टाइड के दौरान सांता क्रूज ईस्ट के त्रिमूर्ति चौल में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां 3 कमरे ढह गए और उनमें मौजूद 3 लड़कियां भी नाले में बह गईं। दरअसल कमरों के पीछे से नाला बना हुआ है। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी है, पर अब तक 3 लड़कियों का कुछ पता नहीं चल सका है। इस दौरान रेस्क्यू टीम ने एक अन्य लड़की को बचा लिया, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सिर्फ 10 घंटों में ही मुंबई में 230 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं हाई टाइड से समुद्र में करीब 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए लोगों से घरों पर ही रहने को कहा है। ICMR ने कहा है कि इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि कोरोना की दूसरी लहर भारत में होगी या नहीं। संस्था के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं और अलग अलग राज्यों से मिले कोरोना से जुड़े तथ्यों में भिन्नता है। उन्होंने जोड़ा कि दुनिया के वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है और इसके खिलाफ जारी लड़ाई में केवल मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद ही नहीं बल्कि आम लोगों की जागरूकता और सहयोग भी बहुत जरूरी है। भार्गव के मुताबिक देश में कोरोना से बने हालात तेजी से बदल रहे हैं और उनकी तरफ से स्थिति पर पूरी गंभीरता से नजर रखी जा रही है। देश में जुलाई महीने में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस आंध्र प्रदेश में सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद अब आंध्र प्रदेश देश में कोरोना से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यहां पहला केस 12 मार्च को आया था, जबकि 10,000 का आंकड़ा 24 जून को पूरा हुआ। वहीं 20 जुलाई को यहां 50,000 मरीजों का आंकड़ा पार हो गया, जबकि 1 अगस्त को यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 150,209 हो गई। यानी 13 दिनों में यहां कोरोना के 1,00,000 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यहां पिछले 4 दिनों में 39,912 केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में अब तक 19,51,767 टेस्ट हुए हैं। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 45.3% है और संक्रमण के प्रसार की कुल दर 7.46% रही है। कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि दिल को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। एक नए अध्ययन के अनुसार 78% कोरोना मरीजों में हार्ट की समस्या विकसित हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जामा कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। स्टडी में जर्मनी की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ्रैंकफर्ट से अप्रैल और जून 2020 के बीच कोरोना से ठीक होने वाले 100 लोगों का विश्लेषण किया गया, जिसमें 78 मरीजों में हार्ट संबंधी दिक्कत और 60 लोगों के हृदय में सूजन थी। बड़ी बात यह है कि इन लोगों में ये लक्षण पहले से नहीं थे और ना ही शुरुआती जांच में कोई गंभीर रोग ही पाया गया था। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे रिकवरी रेट ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन अब एक सर्वे ने चिंता बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक राजधानी में हर चौथे व्यक्ति पर वायरस का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सर्वे में अच्छी बात यह है कि राजधानी के 23.48% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाए गए हैं, जिनका मतलब है कि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता विकसित हुई है। दरअसल मंगलवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे का रिजल्ट जारी किया, जिसमें कई बातें सामने आई हैं।
सर्वे की माने तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो यहाँ करीब 47 लाख लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हुए हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें ज्यादातर लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे। 27 जून से 10 जुलाई तक चले सीरो सर्वे में सभी 11 जिलों से 21,387 सैंपल लिए गए थे। स्टडी में ये भी सामने आया है कि लॉकडाउन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन समेत सरकार के कई फैसलों से दिल्ली में संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है।